अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों, आज हम टेक्नो पोवा 2 की पबजी टेस्ट करेंगे और हीट टेस्ट करेंगे, बैटरी ड्रेन, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टेक्नो पोवा 2 में पबजी कैसे रहता है। अगर आप ये मोबाइल पबजी के लिए ले रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें, और वीडियो पूरी लाजमी देखना। तो स्टार्ट कर लेते हैं पबजी। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में मेरे देखा, मेरे पास टेक्नो पोवा 2 है, रिसेंटली मैंने ये बाई किया है। तो ओवरऑल मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप टेक्नो पोवा 2 पबजी के लिए सिर्फ ले रहे हैं तो ये आपके लिए सही है, मतलब अगर आप नॉर्मल पबजी करते हैं तो। और अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि ये रिकॉर्डिंग में कैसे जो है ना वो मतलब रिजल्ट देता है। ओवरऑल बहुत सही है, वैल्यू फॉर मनी है, मतलब जिस हिसाब से इसकी प्राइस रखी गई है। मेरे पास 6128 वाला वेरियंट है, और जैसा कि आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, स्मूथ पे अल्ट्रा है, और ग्राफिक्स भी एक 40 FPS देता है, और जायरोस्कोप इसमें हार्डवेयर बेस है, मतलब फुल जायरो 100% एक्यूरेट काम करता है, मैंने इसमें टेस्ट किया है। बाकी अगर आप ये समझ कर ले रहे हैं कि यार ये मैं पबजी जो है ना इस पर रिकॉर्ड करूँगा और वीडियोस बनाऊँगा, तो आपका ये थोड़ा सा ख्याल आप चेंज कर लें तो बेहतर है, क्योंकि आप जब इसमें वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। और इसमें मैंने बहुत से दिनों से, मेरे पास ये 10-12 दिन हो गए मैंने इसको सही से पबजी टेस्ट किया है। मेरे पास नॉर्मल पबजी यूज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं तो उसके लिए सही है, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए मतलब आप ये ना लें तो बेहतर है, क्योंकि ये हीट भी ज़्यादा हो जाता है और मतलब आप बिल्कुल पबजी नहीं खेल पाएंगे। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं इसका जो वो जायरोस्कोप है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। बाकी अगर आप मतलब रिकॉर्डिंग इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये करेक्टर बिल्कुल फ्रीज है और मुझसे खेला नहीं जा रहा, और आगे आप गेमिंग में देखेंगे। बाकी बैटरी के लिए तो 7000 mAh बैटरी है, बहुत ही तगड़ी बैटरी है, आप जितना खेलेंगे इसके लिए बैटरी मतलब आप ड्रेन नहीं होगी। बाकी नॉर्मल पबजी के लिए मैंने ये यूज़ किया है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है, लाजवाब चलता है नॉर्मल गेमिंग के लिए। और अगर आप एवरेज गेमर हैं तो इसकी बैटरी आप जो है ना मतलब एक दिन पूरा जो है ना निकाल सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा खेलते हैं। अगर एवरेज है तो एक दिन से ज़्यादा आप ये यूज़ कर सकते हैं इस बैटरी को, अगर आप 100% चार्ज करते हैं। अगर आप बिल्कुल बस दिन में 1-2 TDM मैचेस खेल लेते हैं जैसे मैं हूँ, तो आपके लिए ये बैटरी 2 दिन चल जाएगी। और अगर आप बिल्कुल खेलते ही नहीं पबजी तो ये 3 दिन तक आपके आराम से बैटरी निकल जाएगी, अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे से ये पबजी खेला नहीं जा रहा और ये रिकॉर्डिंग लगी हुई है इस वजह से। बाकी इसके मैंने फ्रेम ड्रॉप चेक किए हैं, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं, 40 FPS एक्यूरेट चलते हैं। मैंने सेनाहोगो में ट्राई किया है और जो है ना लिविक खेला है, कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं है, ज़बरदस्त चलता है, तगड़ा चलता है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आप दोस्तों को बता दूं, अगर आप दोस्तों इसको रिकॉर्डिंग के लिए लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि यार इसके रिकॉर्डिंग करके हम यूट्यूब पे चैनल पे या किसी भी टिकटॉक होने वगैरह बनाएंगे, तो उसमें बिल्कुल भी मतलब ये रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल गेमिंग के लिए। आप सिर्फ इस पर खेल सकते हैं और बहुत मज़े से खेल सकते हैं, आप इस पर ज़बरदस्त गेमिंग कर सकते हैं विदाउट रिकॉर्डिंग, ये बात याद रखना। बाकी ओवरऑल जो है ना ये थोड़ा बहुत हीट भी हो जाता है, टेक्नो है और नॉर्मल गेमिंग में भी हीट होता है, रिकॉर्डिंग में तो बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल गेमिंग में जो है ना हीट थोड़ा बहुत होता है अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो। बाकी मतलब ओवरऑल ज़बरदस्त है और इसका कैमरा भी लाजवाब है, गेमिंग के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं से नहीं खेला जा रहा था तो वापस में लो भी आ गया, तो जायरोस्कोप वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है और डे टू डे यूजिंग के लिए भी काफ़ी ये ज़बरदस्त है। बाकी आप इस पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, FPS कोई FPS मतलब इसमें ड्रॉप नहीं होते नॉर्मल गेमिंग में। और इसमें जो बैटरी है वो तो 7000 mAh है, मतलब बैटरी आप बेजार हो जाएंगे, आप तंग हो जाएंगे खेल खेल कर, इतनी इसमें मतलब बैटरी है। बैटरी का तो ये बहुत ही लाजवाब है और चार्जिंग में टाइम लगाता है, मतलब अगर आप 0 से 100 चार्ज करेंगे तो 2-2.5-3 घंटे चार्ज लग जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सोचा कि आपको दोस्तों को बस बता दूंगा, अगर आप टेक्नो पोवा 2 रिकॉर्डिंग के लिए पबजी रिकॉर्डिंग के लिए लेना चाह रहे थे तो ये बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर दोस्तों आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों आखिरी में कुछ कूपन्स पड़े हुए थे, सोचा यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे ये देखो बकवास चीज़ें मिली। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।
और लास्ट में दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप वीडियो देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।